5 मई को हरिद्वार जाएंगे सीएम योगी। यूपी के नवनिर्मित पर्यटक आवास ग्रे भागीरथी का करेंगे लोकार्पण। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। आज अपने गृह क्षेत्र में ही रहेंगे सीएम योगी। गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मुंडन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। पंचूर में मुंडन कार्यक्रम का था आयोजन। सीएम योगी के छोटे भाई के बेटे का मुंडन संस्कार। सीएम योगी ने सुबह सुबह की अपने गांव की सैर। गांव के लोगों के साथ सीएम गांव की सैर पर निकले। गाजियाबाद में भूमि अधिग्रहण मामले में अनियमितता पाए जाने पर योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन डीएम निधि केसरवानी के निलंबन की केंद्र को भेजी गई संस्तुति। यूपी में अब विकास कार्यों का जायजा खुद लेने उतरेंगे सीएम योगी। ग्राउंड जीरो पर जाकर सीएम योगी लेंगे जायजा। सीएम योगी के दो दौरे प्रस्तावित। 6 मई को अयोध्या और 7 मई को झांसी जाने का है कार्यक्रम। देशभर में बिजली संकट के बीच यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा लगातार सक्रिय दिख रहे हैं। विद्युत केंद्रों की समीक्षा की। यूपी सरकार का बड़ा दावा। यूपी में घटी बेरोजगारी दर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में बेरोजगारी दर 2.9% पहुंची। अपने ही ट्वीट पर बोलने से बच रहे शिवपाल यादव। कहा बैठकर करेंगे बातचीत। कल ही अखिलेश यादव पर कसा था तंज। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट के बीच सियासी हलचल हुई तेज। ललितपुर में हुए नाबालिग से रेप मामले पर सियासत तेज। सपा अध्यक्ष करेंगे पीड़ित परिवार से मुलाकात। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जबकि कई अभी भी फरार हैं। पाली थाने के सभी पुलिसकर्मी लाइन हाजिर। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में आज होगी सुनवाई। हिंदू महासभा के पक्षकार दिनेश शर्मा की याचिका पर सुनवाई। सपा ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा न कानून का डर न पुलिस का खौफ। यूपी में है सिर्फ जंगल राज। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। सस्ता पेट्रोल डीजल गैस दाल चावल तेल घी और आटा भी हो न कि केवल डेटा क्योंकि डेटा से पेट नहीं भरता। सीतापुर जेल में बंद सपा नेता आजम खान की जमानत पर आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। शत्रु संपत्ति कब्जाने के आरोप में दर्ज है मुकदमा। माफिया मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता से जुड़ी अहम खबर। मुख्तार के अधिवक्ता दारोगा सिंह की जमीन का होगा सीमांकन। अपराधी मुख्तार अंसारी के वकील की दबंगई का वीडियो आया सामने। वीडियो में जजों को कह रहा है अपशब्द। केस दर्ज। गोंडा में देवी पाटन मंडल की डीएलसी रचना केसरवानी निलंबित। सीएम योगी के निर्देश के बाद हुई बड़ी कार्रवाई। शराब के नशे में पुलिसकर्मियों से की थी अभद्रता। मेरठ में ड्रग्स माफिया पर पुलिस का बड़ा एक्शन। घर को पुलिस ने किया कुर्क। अफीम चरस और गांजा की करता था सप्लाई। तस्लीम समेत 6 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में आइसक्रीम खाने से 30 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार। बच्चों ने ईद के मेले में आइसक्रीम खाई थी। बच्चों का इलाज जारी। बीएचयू में कुलपति के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल। परशुराम जयंती पर कार्यक्रम में वीसी के शामिल न होने से छात्र नाराज। नारेबाजी कर पुतला फूंका। यूपी के कासगंज में बुलेरो और ऑटो की जबरदस्त टक्कर में 8 लोगों की मौत। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी। 5 महिलाएं 1 बच्चा समेत 2 की मौत। यूपी के पीलीभीत में पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा। बुजुर्गों को थाना अध्यक्ष ने हाथ पकड़कर हाईवे पार कराया। रायबरेली में एसडीएम की सरकारी गाड़ी बेकाबू होकर पलटी। ड्राइवर बाल बाल बचा। हादसे की तस्वीरें आई सामने। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बीच बचाव करने आए जेलकर्मी को मारी गोली। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। तलाश में जुटी पुलिस। बदायूं में दो पक्षों में पैसे को लेकर हुई मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में मामूली विवाद में बस सवार लोगों ने डंपर चालक को जमकर पीटा। डंपर चालक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के गोंडा में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। दुकान बंद कर युवक जा रहा था अपने घर। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी।
गाजियाबाद में चक्का जाम करने वालों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने लाठी भाजकर चक्का जाम करने जा रहे लोगों को खदेड़ा। नेशनल हाईवे 58 को जाम करने की हो रही थी कोशिश। भदोही में तेज रफ्तार ट्रक ने हेड कांस्टेबल और ढाबा संचालक को कुचला। हादसे में दोनों की मौत, दो अन्य गंभीर रूप से घायल। ट्रक अनियंत्रित होकर इंटर कॉलेज के अंदर घुसा। बिजनौर के चार युवक उत्तराखंड की नदी में डूबे। ईद की नमाज पढ़कर घूमने निकले थे सभी दोस्त, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बिजनौर में धू धू कर जली हाई टेंशन लाइन। ओवरलोड होने की वजह से हाई टेंशन लाइन में लगी आग। जालौन में 70 साल की महिला से दरिंदगी का मामला आया सामने। महिला ने गांव के ही एक दबंग पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। बिजनौर में रिहायशी इलाके में गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी जानकारी। औरैया में घर से सरकारी दवाइयों की खेप पकड़ी गई। सरकारी दवा किसी दूसरे जिले की बताई जा रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। बाराबंकी में कार की चाबी निकालते वक्त हुआ हादसा, 5 लोग जख्मी। नाबालिग कार से निकाल रहा था चाबी। मुजफ्फरनगर में आधे जले शव का राज खुला। पैसों के लेन देन को लेकर की गई हत्या कर शव को काली नदी के किनारे झुलाया गया था। प्रयागराज के थरवाई में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या का मामला। पुलिस ने हत्या के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्रकूट में एक बारात में चली गोलियां, फायरिंग में 2 की मौत, 2 जख्मी। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। लखीमपुर से दबंगों का पिटाई का वीडियो वायरल। दीवार के किनारे भैंस को बांधने से मना करने पर की गई पिटाई। सोनभद्र में अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर। होटल और दुकानें ढहाई गई। नोटिस के बावजूद भी कब्जा नहीं हटा रहे थे लोग। रायबरेली में बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों को बंधक बनाने का मामला। बिजली चोरी की शिकायत पर जांच के लिए पहुंचे थे अधिकारी। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने विध्यांचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन किए। जालौन में घर से लापता व्यक्ति का शव बरामद। मृतक नशे का आदि बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में आतिशबाजी से घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। गाजियाबाद में असलहों से फायरिंग करते वीडियो आया सामने। शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। 2 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। कुशीनगर में पति पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर आई सामने। बेटी की हालत गंभीर, पारिवारिक वजह बताई जा रही है। सीतापुर में ट्रक पलटने से बड़ा हादसा, होते होते टला। सरकारी गेहूं से भरा ट्रक बैलेंस बिगड़ने से डिवाइडर से टकराकर पलट गया। बिजनौर में सड़क हादसे में घायल सिपाही के साथ कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप। घटना के बाद सिपाही को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ट्रक का एक्सीडेंट। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। हरीश रावत ने सीएम योगी के अपनी मां का आशीर्वाद लेने पर ट्वीट कर लिखा, चाहे सामान्य गृहस्थ हो या योगी, मां तो मां है, उसका आशीर्वाद महान है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। हेमवती नंदन बहुगुणा के जीवन पर आधारित पुस्तक का करेंगे विमोचन। उपराष्ट्रपति भवन में होगा कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रसून जोशी की स्वर्गीय मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और प्रसिद्ध गीतकार हैं प्रसून जोशी। चंपावत सीट पर उपचुनाव के लिए आज से शुरू हो रहा नामांकन। उम्मीदवार 11 मई तक कर सकेंगे नॉमिनेशन। 31 मई को डाले जाएंगे वोट, 3 जून को आएगा नतीजा। पंच केदारों में तृतीय केदार तुंगनाथ की कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू। तुंगनाथ की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कूमठ से तुंगनाथ धाम के लिए हुई रवाना। 6 मई को 11 बजे खोले जाएंगे तुंगनाथ धाम के कपाट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हरिद्वार में करेंगे बैठक। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। श्री गोलजीयू संदेश यात्रा अलग अलग इलाकों से होते हुए अपने 16वें पड़ाव अल्मोड़ा पहुंची। अल्मोड़ा पहुंची यात्रा का लोगों ने भव्य स्वागत किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में 19 मई से होगा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। दिल्ली के सरोजनी नगर में झुग्गी झोपड़ी हटाने पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के 3रे हफ्ते तक
अतिक्रमण अभियान की कार्रवाई पर रोक लगाई। दिल्ली के केशवपुरम जोन में एमसीडी ऑफिस की बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। एमसीडी ऑफिस में रखा सारा सामान जलकर खाक। दिल्ली में रेप और हत्या का आरोपी, पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली में ईद ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित 60 पुलिसकर्मी निलंबित। पुलिसकर्मियों पर विभागीय जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट के कुछ इलाकों में अभी भी जल रही है आग। 26 अप्रैल को लैंडफिल साइट पर लगी थी आग। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना जाहिर की। हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 3 दिन भारी बारिश और बर्फबारी की दी गई चेतावनी। शिमला में बदला मौसम का मिजाज, तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि। तापमान में गिरावट दर्ज की गई। ओडिशा के कई इलाकों में लोगों को मिली गर्मी से राहत। भुवनेश्वर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। महाराष्ट्र में गर्मी ने तोड़ा पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड। अब तक गर्मी के कारण 25 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कॉटन के कपड़े पहनने की सलाह दी। राज ठाकरे की चेतावनी का दिखा बड़ा असर। महाराष्ट्र की 1000 से ज्यादा मस्जिदों में बिना लाउडस्पीकर हुई अजान। मुंबई में नवनीत राणा के घर बीएसपी की टीम पहुंची। अवैध निर्माण की जांच करेगी बीएमसी की टीम। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मिली जमानत। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने दी सशर्त जमानत। मुंबई सेशंस कोर्ट ने कहा इस मुद्दे पर प्रेस से बातचीत नहीं करेंगे राणा दंपति और सबूत से नहीं करेंगे छेड़छाड़। मुंबई सेशंस कोर्ट ने राणा दंपति को दी हिदायत। कहा दोबारा ऐसा ही अपराध नहीं करेंगे। 50,000 के मुचलके पर मिली बेल। बाला साहेब के वीडियो के सहारे एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने साधा निशाना। बाला साहेब के भाषण में नमाज और लाउडस्पीकर का जिक्र। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारी वलन के मामले में 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में सजा खत्म करने की मांगी गई है। पीएम मोदी की यूरोप यात्रा का आज आखिरी दिन। डेनमार्क में इंडो नॉर्डिक समिट में लेंगे हिस्सा। फ्रांस के राष्ट्रपति को बधाई देने पेरिस भी जाएंगे प्रधानमंत्री। कोपेनहेगन में पीएम मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई कई मुद्दों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन में किंगडम ऑफ डेनमार्क की महारानी मार्गरेट से की मुलाकात। कई मुद्दों पर हुई बातचीत। डेनमार्क के बेला सेंटर में बोले पीएम मोदी। डिजिटल इंडिया पर पहले लोगों ने उठाया था सवाल। आज डेटा का इस्तेमाल करने में भारत सबसे आगे। पीएम मोदी ने कहा आज डिजिटल इंडिया ने भारत को बदला। सवाल उठाने वालों को हमने जवाब दिया। स्टार्टअप में भारत दुनिया का तीसरा देश। प्रधानमंत्री ने कहा हम वो लोग हैं जो कि पौधे में भी परमात्मा देखते हैं, नदी को भी मां मानते हैं। जरूरत से ज्यादा कुछ भी इस्तेमाल ना करें। डेनमार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की पीएम ने टॉप बिजनेस लीडर से की मुलाकात। पीएम मोदी ने निवेशकों को भारत आने का दिया न्योता। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 70वां दिन। कीव, लवीव और मारियोपोल समेत यूक्रेन के कई शहरों में रूस के हमले जारी। लवीव में रूसी सेना ने पावर स्टेशन पर किया हमला। हमले में 2 लोग जख्मी। शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल। यूक्रेन की ओडिशा में भी बजा रूस के हवाई हमले का सायरन। शहर में लगाया गया है कर्फ्यू। क्रीमिया के तटीय इलाकों में MiG-8 हेलीकॉप्टर का दबदबा। कम ऊंचाई पर गश्त लगाता दिखा रूसी सेना का हेलीकॉप्टर। यूक्रेन के पोपस नाया शहर में रूस की प्राइवेट मिलिट्री पीएमसी वैगनर का कहर। यूक्रेन के पोपस नाया शहर में रूस की प्राइवेट मिलिट्री पीएमसी वैगनर का कहर। कई इमारतों पर किए गए बम धमाके। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन। बीजिंग में लगे सख्त प्रतिबंध। शंघाई में थोड़ी राहत लेकिन जारी रहेगी कोरोना टेस्टिंग। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट गर्भपात पर लगा सकता है बैन। लीक डॉक्यूमेंट से हुआ खुलासा। डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद लोगों ने शुरू किया प्रदर्शन। नाइजीरिया के लागोस शहर में 3 मंजिला इमारत गिरने से तबाही। हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि। आदमी के तरबूज फेंकने का वीडियो वायरल, जिसमें एक फेंक रहा है और दूसरा उसे कैच कर रहा है।
भीषण गर्मी से परेशान दिखे बंदर, बंदरों ने गर्मी से निजात पाने का अनोखा तरीका निकाला, पानी की टंकी में आराम से नहाते नजर आए। वायरल वीडियो में एक विशाल अजगर सड़क को पार करता नजर आ रहा है, जैसे ही जंगल से निकलकर सड़क पर आया सारी गाड़ियां रुक गई। करीना कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया वीडियो, आमिर और करीना नए अंदाज में फिल्म प्रमोट करते दिखे। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो शेयर किया, वीडियो के आखिर में पीएम बच्चे की तारीफ कर रहे। महेश बाबू की फिल्म सरकारू वारी पाटा का ट्रेलर रिलीज, ट्रेलर में महेश बाबू फुल ऑन एक्शन मूड में नजर आ रहे। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने अपनी फेमस फिल्म जख्म का सुपरहिट गाना गली में आज चांद निकला शेयर किया, फैंस इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने किए बाबा महाकाल के दर्शन, कहा बाबा महाकाल ने जान बचाई, उज्जैन में सड़क हादसे का शिकार हो गई थी तनुश्री दत्ता। इस साल दिसंबर में होगी आथिया और राहुल की शादी, जुहू के 5-स्टार होटल में आथिया राहुल लेंगे साथ फेरे, सुनील शेट्टी शादी की तैयारियों में जुटे।